माइनक्राफ्ट में इस तरह की शेडर चलाना किसको पसंद नहीं, बट यह प्रॉब्लम है हमारा लो एंड पोटेटो पीसी जो कभी तो विदाउट शेडर भी 60 FPS नहीं देता है। बट क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने लो एंड पीसी में भी अच्छे से अच्छे शेडर्स को चला सकते हो वो भी 60 FPS पे। तो मैं आपको देने वाला हूँ 6 ऐसे शेडर पैक्स जो आपके लो एंड पीसी में भी वर्क करेंगे। प्लस मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे आप अपने लो एंड पीसी में 60 FPS भी ले सकते हो वो भी शेडर के साथ। और सभी फाइल्स का फ्री डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहां से जाके आपने सारी फाइल्स डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने पीसी के स्पेसिफिकेशन चेक करा है, तो प्रोसेसर जो हमने यूज़ करा है वो है i5 4460N जो कि 10 साल पुराना प्रोसेसर है। और रैम की बात करें तो रैम हमारे पास है 8 GB, आपको मिनिमम 4 GB की रिक्वायरमेंट होगी। एंड देन GPU की बात करें तो GPU में हमारे पास है इंटेल एचडी ग्राफिक्स, एक्सटर्नली कोई ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है नहीं, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे चल रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आपको सबसे पहले इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। देन इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट हियर करना है। देन एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फोल्डर मिल जाएगा, माइनक्राफ्ट लैग पिक बाय वीजी माइनक्राफ्ट, तो इसे ओपन कर लेना है। एंड देन ओपन करने के बाद आपको पहली फाइल मिल जाएगी शेडर पैक्स, तो शेडर पैक्स को आपको सिंपली कॉपी करना है। एंड देन कॉपी करने के बाद आपको चले जाना आपके माइनक्राफ्ट की मेन डायरेक्टरी में, तो आपको माइनक्राफ्ट के आइकन पे राइट क्लिक करना है। देन राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन से चले जाना है। देन यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली अपने फाइल्स को पेस्ट कर देना है। देन तो देख सकते हो आप हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो आधे शेडर पैक लगाने के बाद हमें सिंपली अपनी माइनक्राफ्ट ओपन करना है। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट वर्जन 1.19.3, आप जो भी वर्जन में चाहो उस वर्जन में खेल सकते हो। तो चलिए गेम में एंटर करते हैं। तो अभी हमारा गेम ओपन हो चुका है, तो आपको सिंपली आना है ऑप्शन में, देन वीडियो सेटिंग्स, देन शेडर्स में। ये सारे शेडर्स मैंने आपको दे रखे हैं फाइल में। एंड देन शेडर में से मैं अभी जो यूज़ करने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट्री शेडर। तो इस शेडर को ये आप सोच रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा हाई एंड पीसी का शेडर है, आपने लो एंड पीसी में कैसे चलेगा, तो वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल हम इस शेडर को लगा लेते हैं। शेडर लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा लोडिंग लेगा, क्या फिर हो सकता है आपका गेम कुछ ही सेकेंड के लिए स्टक हो जाए। तो इसे लोड होने देते हैं पहले। देन लोड होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर शेडो क्वालिटी दिख रहा होगा, इसे आपको 0.5x पे सेट कर देना है। एंड देन आना है शेडर ऑप्शंस में, देन यहाँ पर आपको सिंपली रीसेट पे क्लिक करना है। रीसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी प्रोफाइल्स आपको दिख जाएगी, तो यहाँ पर आपको सिंपली वेरी लो या फिर जो आपके पीसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी चूज़ करना है उसे चूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल लो को यूज़ कर रहा हूँ। देन डन करते हैं एंड देन वापस आते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैक्स फ्रेम रेट। तो मैक्स फ्रेम रेट में आपको सिंपली 30 FPS पे सेट कर देना है। तो 30 FPS पे सेट करने के बाद आपको आना है बैक, देन बैक। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप। तो अगला स्टेप जो हमारा रहने वाला है वो है इस फाइल के अंदर, जिसमें से अभी हमने थोड़ी देर पहले शेडर पैक निकाले थे। तो अभी इसके अंदर एक और फाइल है, वो है लॉसलेस स्केलिंग। आपको सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डेस्कटॉप पे ले लेना है। डेस्कटॉप पे लेने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का फोल्डर मिलेगा, देन इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको चले जाने पे कॉमन रेडिस्ट वाली फाइल में, देन यहाँ पर आपको 4 फाइल्स मिल जाएगी। इन चारों फाइल्स में आपका पीसी जिन भी कंपैटिबल हो आपको राइट डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। जो भी आपका इंस्टॉल हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये इंस्टॉल करना वैसे ज़रूरी है। तो आते हैं आप बैक। बैक आने के बाद आपका यहाँ पर मिल जाएगा लॉसलेस स्केलिंग का फोल्डर, तो आपको सिंपली इसमें जाना है। देन इसमें जाने के बाद आपको ये मिलेगा लॉसलेस स्केलिंग रजिस्ट्री पिक्स, तो इसे आपको डबल टैप करके रन कर लेना है। रन करने के बाद आपको लॉसलेस स्केलिंग को ओपन कर लेना है, तो हमारा ऐप कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मिलेंगी, सबसे पहले आप सेटिंग्स में चले जाना है। देन इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके क्लोज कर देना है। देन इसे क्लोज करने के बाद आपको सिंपली कस्टम यहाँ पर स्केलिंग मोड में कस्टम सिलेक्ट करना है। कस्टम सिलेक्ट करने के बाद इसे 3 पे सेट कर देना है। एंड डिसाइड बिफोर स्केलिंग को इनेबल रखना है। देन यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इसे इंटीजर से सिलेक्ट करके LSFG 1.1 को भी सिलेक्ट कर लेना है। देन ये होने के बाद आपको सिंपली स्केल पे क्लिक करना है। तो आगे का गेम प्ले मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो अभी आ चुके हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, तो आपको सिंपली अपने माइनक्राफ्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन में जाके अपने सिंपली शेडर को डिसेबल कर देना है। देन आपका शेडर डिसेबल होने के बाद आपको अपने गेम में एंटर करना है, जो भी वर्ल्ड आप खेलते हो उसे लोड कर लेना है पूरा। तो यहाँ पर हमारा वर्ल्ड लोड हो चुका है, आपको जाना है अपने गेम की सेटिंग्स में। देन सेटिंग्स में आने के बाद आपने जो शेडर सिलेक्ट चूज़ किया था उसे लगा लेना है। हो सकता है आपका गेम थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाए, तो तब तक आपको वेट कर लेना है।
तो यहाँ पर हमारा शेडर सक्सेसफुली लग गया है। एंड लगने के बाद आपको सिंपली स्केप बटन दबा के अपने लॉसलेस स्केलिंग ऐप पे चल जाना है। एंड देन स्केल पे क्लिक करके वापस अपने गेम में बैक आ जाना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप इसे फुल स्क्रीन मोड पे ना चलाओ, जब बल्कि विंडोड मोड पे चलाओ। तो यहाँ पर हमारा गेम सक्सेसफुली 60+ FPS पे चल रहा है। तो अभी देख सकते हो हमें 50+ FPS यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो गेम थोड़ा सा सही से लोड नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है थोड़ा FPS ड्रॉप स्टार्टिंग में आ जाए। तो अभी आप देख सकते हो हमारा गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। मैं आपको आगे में एक और शेडर टेस्ट करा के दिखा दूंगा, तब तक आप इस गेम प्ले को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैं लगाने वाला हूँ BSL शेडर। BSL शेडर को भी आपने लो पे सेट कर लेना है लगाने से पहले, हो सकता है इसमें भी आपका गेम थोड़ा देर के लिए स्टक हो जाए। तो यहाँ पर हमारा BSL शेडर हो चुका है। एंड देन आप देख सकते हो हमें 60 FPS मिल रहे हैं, 59-60 FPS, जो कि बहुत बढ़िया FPS होते हैं और गेम की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो आप, नॉर्मली हमारा गेम 30 FPS पे सेट है, बट हमें 60 FPS देखने को मिल रहा है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। एंड मेक श्योर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।